वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज होती है। उस सरप्राइज को बने रहने देना चाहते हैं हम। कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता हैं जो पात्रता निभा रहे हैं और क्या इसका शीर्षक है और क्या इसका सब तरीका है। दूसरे फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो। क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए एक कोई चीज़ बन जाती है। तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो, तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। देखिए, मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे। जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा, भैया मैंने गाना गाया है तो कौन सा गाया भेजो ज़रा, क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाए रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा, तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। इंसान के ऊपर चुनौतियाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा, हम सब का जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग, ये हौसला और जज्बा ही तो है, वरना यहाँ की चुनौतियाँ कम है क्या? मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी। लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सब ने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है, तो ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। मैं सभी भारतवासियों को और विश्ववासियों को दीपावली की इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में सभी को एक बात तो प्रकृति ने सिखा दी है कि अपनी परवाह करो। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लीज़ टेक केयर, टेक केयर कहने से नहीं होगा, करने से होगी। और अब लोग जागे हैं और जो जागता है वही जगा सकता है। इसलिए ऐ मेरे देशवासियों, आप सबको पूरे त्योहार की अनंत शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखो, बीमार होना कम करो। हर घर में कोई ना कोई एक बीमार है पड़ रहा है। पहले का भारत ऐसा नहीं था, क्या बिगाड़ लिया? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सोचिए समझिए कि क्यों हर घर में कोई एक बीमार है पड़ा है। तो इस तरह से आप यदि स्वयं का अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे तो मेरा भारत स्वस्थ होगा। बने रहो। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, पंजाबी मेरी बहुत अच्छी है। और जो मैं रिवील नहीं कर पा रहा हूँ अभी कि वो जो दौर है जिस फिल्म के अंदर, वो मैंने स्कूल में देखा था वो पीरियड। हम लोगों की छुट्टी हो गई थी मतलब कई दिनों के लिए, मगर वजह संगीन थी, बहुत संगीन थी। तो खाली अगर मैं बोलूँ प्रिपरेशन तो खाली दाढ़ी हो गई थी मैंने 100%। बाकी लहजा और पंजाबी, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि और पंजाबी बोलनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा है। सर
मतलब ये रीज़न तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कम क्यों बन रही है एक किस्म की फिल्म, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक जो भी बनता है ना वो ऑडियंसेस डिक्टेट करती हैं, है ना। वो किसी की क्रिएटिविटी है डेफिनेटली, हर कोई अलग अलग सोच सकता है, मगर जो भी एक दौर आता है, मुझे याद है कि एक जैसे हमारे हीरो तो बच्चन साहब ही हैं या धर्म जी हैं, तो जब इन लोगों का मतलब हम लोग देखते थे एक किस्म की एक फिल्म आती थी जो कि एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म होती थी। अभी व्हेन आई लुक एट इट एज एन ऑडियंस टुडे, जो मैं किस किस्म का पसंद करता हूँ, मैं बड़ा रियल किस्म की चीज़ें बहुत देखना पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनके अंदर हूँ, मतलब काम करना चाहूँगा, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। मगर जो खुशबू है अभी, मतलब एवरीथिंग इज चेंज ना, द वर्ल्ड इज चेंज, अभी इंटरनेट इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, एवरीथिंग यू कैन अपलोड फ्रॉम योर फ़ोन, सो नेचुरली जो माहौल भी है उसी किस्म का है, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड इज़ बिकम वेरी स्मॉल, सो जो ऑडियंसेस इस वक्त चाह रही हैं, जिस किस्म का सॉफ्टवेयर देख रही हैं, क्योंकि इट्स ऑल ईच चैनल देयर, बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट अमेज़ॉन, बी इट जी, बी इट एनी चैनल ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक इतना क्लियर आता है कि यार हमारा व्यूअर इस किस्म का है, तो वो उस किस्म की क्रिएटिविटी। सर मैंने देखी नहीं है रक्षाबंधन, तो इट अगेन बी अ वेरी अनफेयर कॉमेंट, यू नो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि ऐसे ही मतलब उठा के बोल दिया, मगर मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कोशिश नहीं करता है, और बदल गई है, मतलब कि ऑडियंसेस तो हमेशा से बदलती ही रही हैं, मतलब दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी, मतलब अगर सोसाइटी एक ही तरीके से रहे और एक ही किस्म में जकड़ी जाए, तो जो आज हम लोगों ने कपड़े भी पहने हैं ये भी किसी और ज़माने के होंगे, तो वो तो चेंज होता रहता है सर, मतलब वो नेचुरली जो बदलाव है, इट्स लाइक ईटिंग द सेम फूड एवरी डे, खाना ही कितना बदल गया है, आई थिंक खाने के प्रति अवेयरनेस कितनी हो गई है, सो आई थिंक इट्स बेसिकली जो एक्सपोजर है, जो भी लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को बहुत किस्म का काम देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त सब फुर्सत से थे, डरे हुए थे, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसमें रिस्पेक्ट लिया एंटरटेनमेंट में। About a family drama? Yes. See, as long as families are there, family drama will always be special. As long as it is made nicely, है ना, simple है. मतलब family drama तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. मतलब it's just too large to just say generally. It's too general. But I feel कि कोई भी family drama अगर, क्योंकि अंदर से सब लोग यही चाहते हैं कि आप किसी भाई बहन से पूछें या किसी भी जो बदलाव आते हैं एक फैमिली में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, अगर आप किसी के साथ बड़े हुए हैं तो नेचुरली आप चाहते हैं जब आप लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, देन स्टिल यू नो द फैमिली स्टेज टुगेदर, आई मीन दिस इज एवरी वंस फ्रॉम द इनसाइड, एट लीस्ट फॉर मी, आई मीन आई लाइक यू नो अ लार्जर फैमिली, बट वो प्रैक्टिकली हो पाता है नहीं, ये कह नहीं सकते, मैं बम्बई रहता हूँ, मेरी माँ दिल्ली रहती हैं, तो वो हालात, तो अंदर से फैमिली ड्रामास एज लॉन्ग एज दे टच यू, एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज इन अ वे के आपके किसी कॉर्ड को टच करती है, महसूस करते हैं लोग उसको, दे विल बी एबल टू। सर मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? वो ना आपने ट्रेलर में नहीं देखा होगा मुझे, हाँ बिकॉज आई एम नॉट, वो एक मिसप्रिंट था, मुझे भी किसी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कहा कौन सी फिल्म है, तो मैं ये देखे, हाँ मैं तो हर किस्म का किरदार करना चाहूँगा, आई मीन डेफिनेटली आई फील जब हम लोग कर भी रहे थे इस पर, कार्य कर रहे थे कि भाई यार कल को जाके कलाकार बनना है और काम चाहिए हमें, अनफॉर्चुनेटली वो 2000 का जो समय था, 2000 अर्ली 2000s का, वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव दौर था इन टर्म्स ऑफ, कि अगर कोई एक विलन की भूमिका में आ गया या एंटी हीरो की भूमिका, तो फिर वो छाप पड़ जाती थी, स्पेशली अगर वो सक्सेसफुल है, तो एक तरीके से यू हैव टू थैंक गॉड कि आप 20 साल बाद लाइन के अंदर हैं। इन द अदर वे कहीं कहीं डेफिनेटली ऐसा लगता है यार कि
I wish that more positive roles are written for me. एक normal जो मतलब एक अच्छाइयाँ होती हैं एक इंसान में, जो हर किसी में थोड़ी बहुत होती हैं अच्छाइयाँ, थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी होती हैं, तो जो आपका अच्छा साइड है उसको टटोटिए और इस तरह की कोई अर्थी फिल्म का मैं हिस्सा बन सकूँ, बहुत अच्छा होती है। सर सबको जनरल देना है, बस आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस साल की जो 24 तारीख है मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है, बहुत ही अहम है। इस 24 को मेरी जो पार्टनर है मुक्ता गुट से, वो एक सारी लेबल लॉन्च कर रही हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक निमंत्रण है, प्लीज़ कम टू द JW मैरियट बिटवीन 12 and 4, हम आपको वहीं मिलेंगे आपके स्वागत। वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। नहीं दरअसल सर मेरा ना एक स्पेशल अपीयरेंस है, इट्स नॉट अ फुल लेंथ इंपैक्टिवल, बट या इंपैक्ट है उस स्पेशल अपीयरेंस में, एक इंपैक्ट। फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। सिनेमा हॉल में जाकर आपको एक ऐसा फील होगा कि फिल्म जो है एक जो आजकल के दौर में जो फिल्में चल रही उससे बिल्कुल अलग है, और दो भाइयों की कहानी है, उनके बीच का प्यार है, फैमिली के बीच की बॉन्डिंग की कहानी है, दैट्स ऑल, और फुल एंटरटेनमेंट है, आप देखें जरूर। हीरोइज़म भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा था और इसीलिए इस चीज़ को पैक भी किया, और स्टोरी ऐसी है कि आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अभी, और पूरा मिशन बहुत अच्छा मिल के आया है, तो आप 4 नवंबर को जाइए मूवी देखिए। सबने वो रिश्ते जिए हैं कहीं ना कहीं, हम सब उससे गुजरते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मेरा जो मेन प्रयास था एज एन एक्टर कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं दिल से कर रहा हूँ, वो मैं दे पाऊँ। हर एक किरदार ने बहुत सुंदरता के साथ उस भूमिका को निभाया है, बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ हूँ या राहुल सर ने ही अकेला किया है या इन्होंने अकेला किया है। ये कहानी में जितने भी किरदार हैं, जो भाभी हैं मेरी, वो समीक्षा जी ने प्ले किया है, वो यहाँ है नहीं शायद, ये मेरे पार्टनर का रोल इन्होंने प्ले किया है, ये मेरे ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो सबने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत की। तो जब सब लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं, तो 1000% मतलब वो ऑडियंस उस चीज़ से जुड़ेगी, उसको वो चीज़ पसंद आएगी। बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग मैटर है, वो मैं नहीं पूछ सकता। जी
आगे तेज से जानना चाहिए, सेंटर में जो भी बोलेगा सेंटर में आगे बोलेगा। ये किरदार बहुत सिंपल, इनोसेंट और इसका प्यारा लगना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे पता चलेगा कि इसकी प्रेजेंस यही है कि इतना स्वीट, इनोसेंट और एक लवेबिलिटी कोशेंट होना चाहिए इस किरदार में कि प्यारा लगे, इनोसेंट लगे। तो अगर आप मुझे देखेंगे तो थोड़ा वो मेरे लिए अलग काम है। तो मेरे लिए असली प्रिपरेशन वही कि हाउ कैन आई कैन पुट द ब्राइटर साइड ऑफ मी ऑल द टाइम और मेक इट प्रेजेंट, क्योंकि फिल्म से पता चलेगा इसकी वजह से कहानी में मतलब आई कैन रिवील मच। तो मेरे लिए असली इम्पोर्टेंस फैक्टर यही था कि इसको लवेबल बनाना है। हाउ डू आई फाइंड दैट प्लीजिंग फैक्टर इन माई ओन पर्सनैलिटी एंड अमलगमेट विद द कैरेक्टर सो दैट इट कैन कम ब्यूटिफुली एंड कनेक्ट विद द पीपल इंस्टेंटली। सो दैट वाज रियल ऑब्जेक्टिव फॉर मी। आप जानना चाह रहे हैं फिल्म टेलीविजन में खास तौर से? टेलीविज़न में बेसिकली टाइम कंस्टेंट होता है, वहाँ पे आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, प्लस बैकग्राउंड स्कोर से लेके टेकिंग से लेके। फिल्म में आपके पास टाइम होता है, आप अगर ट्रेंड एक्टर हैं तो आप उसको शेप अप कर सकते हैं, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं क्या चाहता है किरदार, उसकी दुनिया कैसी है, आप कैसे उसमें फिट इन कर सकते हैं, क्या वो आपके करीब है, आपको उसके में क्या सिमिलरिटी है, ढूंढ के एक किरदार बना सकते हैं आप, ये ऑप्शन होते हैं। सो बेसिकली ये और बाकी एक्टिंग कोर में सेम ही होता है, सोल वही होता है, बट कैसे आप मीडियम के हिसाब से मोल्ड करते हुए उसको प्ले कर सकते हैं। टाइम बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है फिल्म और जहाँ पर आपको टाइम मिलता है उसको। पहले तो थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, मैं यहाँ हूँ। सो पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के हमारे लिए। आप लोग से हमारा सिनेमा बनता है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज मेरी पहली मूवी थी और मुझे सारे ही जो एक्टर्स मिले हैं दे आर सो सपोर्टिव। एंड पूरे जर्नी में ही आई हैव फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है एंड मैंने पोर्ट्रे किया है, सो एवरी बिट ऑफ अ पर्सन हैज़ एक्चुअली टॉट मी समथिंग। तो फिर मेरे वो डायरेक्टर हो या फिर मेरे को एक्टर हो या फिर राहुल देव सर हो या समीक्षा हो, अहम हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टॉट मी समथिंग। मुझे बहुत मज़ा आया। अगेन मेरा जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर, आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो सब चीज़ें संभाल रहा है, सब यू नो एक सुकून का झोंका है। तो आई थिंक आपको सबको देख के सबको मज़ा आएगा एंड सबने बहुत मेहनत की है। सब लोग को चाहिए कि ये मूवी हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, कि हमने इतना मेहनत किया वो हम खुद को देख के वी आर फीलिंग हैप्पी। आगे जो भी होगा इट्स ऑल डेस्टिनी एंड मेहनत सबने की है, तो आई थिंक आप बस देखिए, प्यार दीजिए, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अस फॉर नाउ। एंड बाकी हमें सब में बहुत मज़ा आया। जैसा का अंदर कहा था हम लोगों ने 300 थिएटर्स में जाएगा ये मूवी अभी। और बाकी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? USP आई थिंक गाने बहुत अच्छे हैं हमारे मूवी के, स्टोरी बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए ये चीज़ बैक भी करी हमने। और यही कहना चाहूँगा एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स तो सबसे अच्छे हैं और क्या। तो बस यही कहना चाहूँगा कि कंटेंट, गाने, एक्टर्स सबका काम बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये मूवी देखिए आप 4 नवंबर को। थैंक यू। अमिताभ रंजन ने ट्रेलर में देखा म्यूजिक है ना, हमने प्रयास किया और आशा करता हूँ कि अच्छा लगे आप लोगों को, है ना। इनका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा वाला है तो हमने अच्छी कोशिश की है, बाकी रिजल्ट आप लोगों के हाथ में, देखेंगे बशर है। हाँ हाँ, कैलाश जी बड़े ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं और जब मैंने कॉल किया तो
थे, बोला गाना भेजो। गाना भेजने के बाद उनको अच्छा लगा, फिर उन्हें बुलाया, बोला पहले गाना सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कंपोजिशन, उसके बाद में गाऊंगा। तो उसका गाया उन्होंने, जाहिर बात उनको अच्छा लगा, अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है और एनर्जेटिक गाना है। ये प्रोजेक्ट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आए, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। इस फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद में एक पारिवारिक फिल्म आ रही है। जैसे आपने देखा होगा, हम दिल दे चुके सनम, नदिया के पार और हम आपके हैं कौन, लाइक डैड, ये पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म है और बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक फिल्म है और इसमें आपको सारा मसाला भी मिलेगा। बहुत ही प्यारा म्यूजिक दिया है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर ने और हमारे सिंगर से आप तो रूबरू हो ही चुके हैं, तो आपको ये बहुत ही प्यारा, कहा जाए तो बहुत ही मनोरंजन आपको देगा ये। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग आएँ और इस मूवी का आनंद लें। बहुत टाइम के बाद एक पारिवारिक सुलझी हुई साफ सुथरी क्लीन फिल्म आपको देखने को मिलेगी। हेमंत ने काफ़ी मेहनत किया है, इन्होंने मतलब दिल से एक एक चीज़ पे, एक एक डायलॉग्स पे, स्क्रीन प्ले पे, सब पे काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी टाइम लगाया है और हमारे एक्टर्स, इन्होंने तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम किया है। इस चीज़ के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर आपके सामने कुछ प्रेजेंट कर सके, तो आप लोग इसका आनंद लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए अभी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी शुरुआत है, तो शुरुआत के हिसाब से तो मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, बेहतर करने की कोशिश की उन्होंने। गाने कैसे लगे आपको? गाने मैंने ही लिखे हैं, जिसमें से एक फुर्सत में तू नाच बेबी एंड रफ्ता रफ्ता जो है वो मैंने लिखे हैं। तो बाकी जो दूसरे दो गाने वो तो काफ़ी कमाल है, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमिताभ रंजन ने कंपोज किए हुए हैं और अच्छे हैं। हम हमारी तारीफ कैसे करें, हमने अच्छी कोशिश की है, आप तक पहुंचाया है, अब देखते हैं जनता इसको कितना सराहती है।